वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अटसेक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 नवंबर से इसका एग्जाम शुरू होने वाला है और जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएगा ये आपको मैं खबर कर दूंगा अपने ही चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज देखते हैं मॉडल टेस्ट नंबर 5 में जो हमें पढ़ना है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज और कुछ शॉर्टकट कीज देखेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको एब्रीवेशन दिया था इसके साथ साथ, तो आप एब्रीवेशन का भी जो PDF है उसको पढ़िए अच्छे से। और आज शॉर्टकट कीज के बारे में कुछ बताया है मैंने, तो इन सभी शॉर्टकट कीज के बारे में भी आपको जानना जरूरी है अगर कंप्यूटर में आप यहाँ पे बहाल होना चाहते हैं। तो चलिए सारा का सारा सिलेबस वाइज आपको चैप्टर कराया जा रहा है, यहाँ पे क्यूज कराया जा रहा है। तो आज का हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज का। इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्यूज अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। आज यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके बाद क्यूज शुरू करूंगा, उसके बाद शॉर्टकट कीज के बारे में बता के खत्म कर दूंगा। क्यूज में आपको आज सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन को आप लोग जरूर अटेंड करेंगे, लेकिन जो शॉर्टकट कीज है वो कम से कम 30 है आपके पास, तो लगभग मिला के ये 50 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके। तो इन सभी प्रश्नों को देखें, PDF को पढ़ते रहिए, कम से कम PDF शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों में ताकि वो भी इन लोगों को देख सकें और ये सारा का सारा पैटर्न आपकी तैयारी में हम ला सकें ऐसे ही एज इट इज। ठीक है, तो आज क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हाई रहेगा क्योंकि हम लोगों को आज पढ़ना है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो दोस्तों जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको आज के इस मॉडल सेट पे, तो आप इसका आंसर भी करते रहिएगा। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है, इस थ्योरेटिकल पार्ट को भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं दोस्तों यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज और आपका असेंबली लैंग्वेज, ये दो तरह के होते हैं। तो पहले आपको जानना जरूरी है कि ये लो लेवल लैंग्वेज होते क्या हैं। तो देखिए, लो लेवल लैंग्वेज आर द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ये क्या होते हैं, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। एक्चुअली लैंग्वेज का मतलब ही होता है इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, और आपको बता दें कि या फिर मैकेनिक कोड वेरी इजीली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटिंग मशीन, जो कि कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटिंग मशीन के द्वारा उसको अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, इट इज मेनली डिजाइन टू द ऑपरेट एंड द हैंडल ऑल द हार्डवेयर इन द इंस्ट्रक्शन, ये इस तरह से कुछ डिजाइन किया रहता है कि ये हार्डवेयर और उसके इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करता है। ये सीट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज इज ऑपरेट मैनेज मैनिपुलेट एंड द हार्डवेयर एंड द सिस्टम कंपोनेंट। ठीक है, इन सभी चीजों को आप समझ गए कि जो आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, मैनिपुलेट करता है, ये इसके मेन कार्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज की। तो ये क्या होता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज इज वन ऑफ द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये उनमें से एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि विच इज द फर्स्ट जेनरेशन लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर द कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर। ये फर्स्ट जेनरेशन लैंग्वेज को डेवलप किया गया किस लिए, तो कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से, एंड इट इज रिटन इन द मशीन कोडेड, ये मशीन कोड में लिखा गया, विच रिप्रेजेंट 0 और 1 बाइनरी डिजिट, 0 और 1 के रूप में इसको लिखा जाता था जिसे हम लोग बाइनरी डिजिट के रूप में पढ़ते थे। कंप्यूटर स्ट्रिंग विच मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर के स्ट्रिंग होते हैं जो कि इसको समझने में इसको बहुत मदद करते हैं, ये होता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो दोस्तों इज द सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेट ऑफ कमांड एज द मशीन लैंग्वेज इंस्टीड, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है उसी तरह का, लेकिन ये सेकेंड जनरेशन में आया क्यों, तो ये इसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में लेकर आया गया असेंबली लैंग्वेज को, और ये क्या करता है, इसको भी मशीन को समझाने में समझने में बहुत ही आसानी होती है, इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आज कुछ इस तरह से बनेगा कि लेवल हाई रहेगा। ठीक है, एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो दूसरा पार्ट है हमारा, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे कि आप लोग सी फॉर्टन पास्कल जावा है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे अपने समय पे, अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए इसके बारे में कि हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सच एज सी फॉर्टन
पास्कल इनेबल प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम्स एंड द मोर और लेस इंडिपेंडेंट फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कंप्यूटर, जो कि आप अपने कंप्यूटर के जरिए इसके जरिए इन सभी प्रोग्राम्स के जरिए कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, है ना, तरह तरह के वो अलग अलग कार्य होते हैं वो आप कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इन सभी लैंग्वेजेस के थ्रू। तो इन सभी लैंग्वेजेस को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यूज की तरफ। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका टाइम खा लिया, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी था, क्योंकि आज का जो सिनारियो है ये 20 क्वेश्चन का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, लेवल थोड़ा सा हाई है, इसलिए थोड़ा समझने के भी आप लोग कोशिश आराम से कीजिएगा और आंसर सोच समझ के दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इस क्यूज का, आंसर कीजिएगा मूव या ऐड, जो वर्ड है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जो कि एक इंस्ट्रक्शन होता है, द इंस्ट्रक्शन लाइक अ मूव और ऐड इज कॉल्ड, चलिए आंसर कीजिएगा, ये होता है दोस्तों ए ऑपरेशनल कोड कहते हैं इसको। ठीक है, ओपी कोड यहां पे लिख दिया गया है, आंसर समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे दोस्तों। अब हम यहां पे अ सिंगल टू पास असेंबलर डज नॉट डज माफ कीजिएगा डज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पास, चलिए आंसर कीजिएगा सिंगल टू पासेस। ठीक है, अ सिंगल टू पासेस असेंबलर, असेंबलर की बात की गई है, असेंबली लैंग्वेज की बात की गई है, असेंबलर क्या होता है दोस्त, तो देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि कंप्यूटर उसको आसानी भाषा से उसको समझ सकता है, 0-1 के कोड में इसका पूरा कोडिंग रहता है इसका किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो सिंगल टू पासेस असेंबलर, जो भी असेंबलर को भेजा जाता है, डज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पास, तो आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, इट एलोकेट द स्पेस फॉर द लिटरल्स, एलोकेट करता है, इट कंप्यूट द टोटल लेंथ ऑफ प्रोग्राम, ये क्या करता है 0-1 के फॉर्मेट में सारा का सारा प्रोग्राम कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है, इट बिल्ड द सिंबल टेबल फॉर द सिंबल्स एंड देयर वैल्यूज, ये टेबल भी क्रिएट करता है उन सभी जो वैल्यूज हैं, जो इसके पास सिंबल्स हैं उनकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो आंसर यहां पे डी हो जाएगा, क्या कीजिएगा सेकेंड का डी। अगला क्वेश्चन, डीबग इज एबल टू ट्रबल शूट ओनली, चलिए इसका आंसर कीजिएगा डीबग। देखिए आपको मैं बता दूं कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को रन भी करेंगे, है ना, जैसा कि कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग जैसे सिस्टम ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, जितने भी उसके प्रोग्राम होते हैं वो ऑटोमेटिकली रन होने लगते हैं, असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज समझने लगता है एक दूसरे को, सारी प्रक्रियाएं होने लगती हैं। तो यहाँ पे डीबग जो क्या करता है कि अगर कोई फाइल आपका मिसप्लेस होता है, है ना, अगर कोई फाइल आपका मिसप्लेस होता है तो उसका एक एरर बताता है, तो वो जो एरर बताने की प्रक्रिया होती है उसको डीबग कहते हैं, और ये किस तरह के फाइल को एरर फाउंड करता है ये बताइए आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो आंसर है दोस्तों ये .exe फाइल, एक्सटेंशनेबल फाइल होता है ये, एक्सटेंशन फाइल होता है जिसको ये डीबग करके इसका ट्रबल शूट करता है। अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द ओरिजिन डायरेक्टिव इज, ऑरिजिन का, अब देखिए क्वेश्चन फोर आ गए हम लोग, इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन फोर का आंसर कीजिएगा, ऑरिजिन जो है उसका निर्देश मेन उद्देश्य क्या है, तो देखिए टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजिशन इन मेमोरी वेयर द प्रोग्राम ब्लॉक इज टू बी स्टोर्ड। ठीक है, टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजिशन, ये क्या करता है, ओरिजिन क्या करता है, आपके स्टार्टिंग पोजिशन को इंडिकेट करता है कहाँ पे, तो मेमोरी में, वेयर द प्रोग्राम ब्लॉक इज टू बी स्टोर, जहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंसर ये हो जाएगा फोर का, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम शुड बी, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके बेल्ट्रॉन के एग्जाम में, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम शुड बी, क्या होता है किसी भी प्रोग्राम का अंतिम यहाँ पे विवरण तो इंड करते हैं, जाहिर सी बात है सिंपल सी भाषा, यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज कोई टफ चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ को समझिएगा ना, तो एकदम आसान भाषा में, जैसे कि आप दिन भर का कार्य का अपना सारा रूटीन बनाते हैं और उस काम को करते हैं या किसी को इंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें कंप्यूटर में भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समय यानी कि यहाँ बात कीजिए लास्ट स्टेटमेंट की, तो वो इंड होता है दोस्तों। ठीक है, इन द टू पासेस असेंबलर एडिंग द लिटरल्स टू लिटरल्स टेबल एंड द एड्रेसेस रिजोल्यूशन ऑफ द लोकल सिंबल और डन यूजिंग, देखिए अभी क्वेश्चन फोर नंबर जो था यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, है ना, लेकिन यहाँ पे पलट के उसको दिया गया है क्वेश्चन को, अब समझिए आपको,
टू पासेस असेंबलर जो कि आपको मैं बताया एडिंग करता है और टेबल क्रिएट करता है, उसके एड्रेसेस को उसके वैल्यूज को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि इसके समाधान का उपयोग किया जाता है किस में, उनके प्रतीकों में। यह जो सिंबल्स होते हैं मैंने आपको बताया, सिंबल्स आर डूइंग यूजिंग, लोकल सिंबल्स आर डूइंग यूजिंग। चलिए आंसर कीजिएगा बोथ फर्स्ट पास, जी हाँ फर्स्ट पास एंड द सेकेंड पास, ठीक है, ये भी और ये भी सेकेंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उनके क्या, तो एक तो एड्रेस को, उनके सिंबल्स को और उनके एड्रेसेस को, मतलब उनकी जो वैल्यू जहाँ पे स्टोर होती है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दीजिएगा आंसर यहाँ पे, एक मशीन जो है वो किस भाषा के निर्देश के प्रारूप के होते हैं, एक मशीन भाषा निर्देश प्रारूप के होते हैं। चलिए ऑपरेशन फील्ड, ऑपरेशन कोड फील्ड, या फिर ऑपरेशन कोड फील्ड एंड द ऑपरेशन फील्ड, ऑपरेंड फील्ड माफ कीजिएगा, इट्स ऑपरेंड फील्ड एंड द डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, जिनका भी उत्तर आ रहा है सी यहाँ पे, ऑपरेशन कोड फील्ड एंड द ऑपरेंड फील्ड को ये रिप्रेजेंट करता है, कंसिस्ट करता है इसके फॉर्मेट को। अगला क्वेश्चन, द लिस्टिंग फाइल इज आइडेंटिफाइड बाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो फाइल का लिस्टिंग होता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा, 8 का बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो लिस्टिंग फाइल होते हैं दोस्तों, आपको सोर्स फाइल नेम एंड द एक्सटेंशन .lst को रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, द एक्सटेंशन फाइल, देखिए एक्सटेंशन फाइल आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज में एक बहुत अच्छा प्ले रोल करता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। द एक्सटेंशन फाइल दैट इज मस्ट फॉर द फाइल टू बी एक्सेप्टेड बाय द लिंक एज द वैलिड ऑब्जेक्ट फाइल इज, आंसर कीजिएगा दोस्तों, एक्सटेंशन फाइल जो कि मान्य ऑब्जेक्ट फाइल हो के रूप में लिंक के द्वारा स्वीकार की जाने वाली फाइल के लिए होनी चाहिए, वो कैसी फाइल होती है दोस्तों, चलिए आंसर कीजिएगा। तो जिनका भी उत्तर यहां पे आएगा दोस्तों .exe फाइल, जी हाँ आंसर यहां पे बी कर लीजिएगा, .exe फाइल के बारे में कहा जा रहा है यहां पे, इसको लिंक करके हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, चलिए स्टैक पॉइंटर की कॉन्सेप्ट क्या है ये बताना है आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 में, जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इट्स अ सी, जो कि एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, जी हाँ आपको जो मैंने बताया कि क्या करता है, तो फर्स्ट एड्रेस जो भी आपका है ना, फर्स्ट एड्रेस होता है उसको ये पॉइंट करता है, कौन, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को ये स्टैक करता है, पॉइंट करता है, ठीक, ये होता है स्टैक पॉइंटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन द टू पासेस असेंबलर द ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन इज डन ड्यूरिंग द, दो पास असेंबलर में ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन किसने, किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा सेकेंड पास में, चूंकि फर्स्ट पास में उसके मेमोरी को बताया जाता है, तो सेकेंड पास में उसके कोड जनरेशन को भी, यानी कि उसके एड्रेस के वैल्यू को भी बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द टू पास असेंबलर द टास्क ऑफ द पासेस टू इज टू, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई हो गया यहाँ पे, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने दिए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो और होंगे वो मैं आपको कल भी दूंगा, कल 50 क्वेश्चन में, वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ईजी हो जाएगा, पर आज इसकी उसको थोड़ा सा झेल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, द इन द टू पास असेंबलर द टास्क ऑफ द पासेस टू इज सिंथेटिस एंड द टारगेट प्रोग्राम, जी हाँ आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंग्वेज प्रोसेसर, चलिए लैंग्वेज प्रोसेसर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रोसेसर है, लैंग्वेज प्रोसेसर कौन है इनमें से, आंसर कीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला कि ये असेंबलर क्या होता है, तो आपका एक कन्वर्टर है एक तरह से, है ना, जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज को आपको समझाने की कोशिश करता है, मशीन को जो भी आप लैंग्वेज 01 के भाषा में डालते हैं, कोड करते हैं, है ना, बाइनरी लेवल जो बाइनरी कोड होता है उसको समझाता है कंप्यूटर को असेंबलर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए असेंबलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिस्टम प्रोग्राम्स सच एज द कंपाइलर आर डिजाइंड
एज दैट दे आर। तो आपका अगर चैप्टर देखेंगे ना क्यों वो सिलेबस, तो कंपाइलर और असेंबलर से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। सिलेबस के वाइज ही आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा अगर आपको यहाँ क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है। तो थोड़ा सा हाई लेवल यहाँ पे हो गया आज, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आंसर कीजिएगा 15 का आप लोग। सिस्टम प्रोग्राम सच एज द कंपाइलर आर डिजाइंड एज दैट दे आर। जो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जैसे कि कंपाइलर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे क्या करते हैं, वो री इंटरेबल होते हैं। क्या होते हैं? वो री इंटरेबल होते हैं। क्योंकि कंपाइलर का कार्य क्या है, ये एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है और यूज़र को या फिर कंप्यूटर को इसको समझाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। कंपाइल किसी भी रन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। असेंबलर और कंपाइलर में ये डिफरेंस है, समझ गए। कंपाइलर यानी कि किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उसके पहले छोर से लेकर अंतिम छोर तक के जो भी प्रोग्राम लिखा गया है उसको क्या करता है, कंपाइल यानी कि एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 16 का। टी आई आई स्टैंड फॉर, यहाँ पे एब्रिविएशन दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी आई आई, तो ये होता है टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? इट्स अ टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज्ड अ कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ये अभी मैं बता ही रहा हूँ इन सभी चीज़ों को आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा, एट्स अ इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटेटर, ओके, इट्स अ डी। आंसर क्या हो जाएगा? जो उच्च स्तरीय भाषा यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि सी, प्रोटॉन, प्लस प्लस या फिर जावा, इन सभी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के किसका उपयोग किया जाता है, तो इंटरप्रेटेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए बीच में क्वेश्चन नंबर 13 और 18 गायब है, उसके लिए दो क्वेश्चन अलग से बाद में दिए गए हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन गायब है। यहाँ पे टोटल आपको 20 क्वेश्चन ही है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करस्पॉन्डेंस बिटवीन द लैंग्वेज एंड द आर्किटेक्चर्स मशीन कोडेड इंस्ट्रक्शन इज टर्म एज। प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें कि आर्किटेक्चर ने मशीन कोड को निर्देश दिया है, कि बीच में एक बहुत हैवी यानी कि मजबूत पत्राचार होता है यानी कि कन्वर्जन होता है इनका, वो क्या कहा जाता है, वो किस लैंग्वेज में एक्चुअली होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि वो असेंबली लैंग्वेज में होता है, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पे कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में, तो वो असेंबलर यानी कि असेंबली लैंग्वेज करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वो होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, कन्वर्ट असेंबलर करता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। जी हाँ, ये होता है दोस्तों मेनिनोनिक्स। क्या होता है? मेनिनोनिक्स दोस्तों, ये मेनिनोनिक्स क्या होते हैं, तो ये किसी भी प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है जिसको आइडियाज़ उसमें अपने इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं आपके, ठीक है। आपको जो प्रोग्राम में करानी है चीज़ों को, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको एक लाइन में एक बद्धता से कैसे सूचीबद्ध करके उसको सजाया रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मेनिनोनिक्स, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का उपयोग सबसे पहले इसी में किया गया, क्योंकि क्या है कि ये मशीन इस चीज़ को समझेगा, तो मशीन को क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि चार लोग बोल रहे तो चारों की भाषा वो समझे। मशीन का क्या है कि आप एक उसको तरीका बता दिए हैं कि कोई अगर आपका इनपुट कीबोर्ड के जरिए ऐसे डाले तो आपको उस चीज़ को क्या समझना है, ठीक है। प्रॉपर वे में एक आइडियाज दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसको हम लोग मेनिनोनिक्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाइंडर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, बाइंडर की एक कार्य क्या करता है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 21 का। बाइंडर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, जी हाँ, एलोकेशन, रिलोकेशन एंड द लिंकिंग ऑल, यानी कि आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आज का आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रजिस्टर टू द रजिस्टर हैज लेंथ ऑफ, चलिए रजिस्टर टू द रजिस्टर की लंबाई कितनी बाइट की होती है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ओनली 2 बाइट्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्यूज यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन आपके लिए कुछ और है यहाँ पे जो कि शॉर्टकट कीज है।
चलिए उसको देख लेते हैं एक बार एक झलक में। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स यानी कि आपको किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी लिखे हुए मीनिंग को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कट करना है उस फाइल से, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करेंगे, कट द सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस इंसर्ट का काम क्या होता है, तो कॉपी करता है ये। कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है। जितनी दूर आप चीज़ों को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाएंगे उतनी सारी चीज़ें जो आपके वर्ड्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस भी इसका मतलब होता है पेस्ट, भी का कंट्रोल प्लस भी का मतलब क्या होता है, तो पेस्ट करना। कहीं भी मान लीजिए कॉपी कोई चीज़ों को किए कंट्रोल प्लस सी करके उसको कहीं पेस्ट करना है दूसरे फाइल में, तो कंट्रोल भी कर दीजिएगा तो वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड इसका हम लोग यूज़ करते हैं अंडू के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी चीज़ को कट कर लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कर लिए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वहाँ पे अंडू हो, मतलब उसको हम नहीं हटाएं, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस जेड, तो ये अंडू एन एक्शन हो जाएगा, मतलब वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। अल्ट प्लस टैब, तो ये होता है दोस्तों स्विच बिटवीन द ओपन एप्स। ठीक है, अगला है अल्ट एफ फोर, तो क्लोज द एक्टिव आइटम। जितने भी आपके सिस्टम का मान लीजिए जितना भी आपका विंडोज़ खुला हुआ है ना, उसको सबको बंद कर देता है। ठीक है, और आपको सिस्टम भी शटडाउन कर सकते हैं अल्ट एफ फोर दबा के दो से तीन बार में। विंडोज़ लोगो प्लस एल, जो विंडोज़ का लोगो रहता है उसको प्लस दबा के एल दबाइएगा, तो ये लॉक योर पीसी, आपका पीसी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। विंडोज़ लोगोज़ की प्लस डी, डिस्प्ले द हाइड द डेस्कटॉप। ठीक है, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, पहले क्या करता है, डिस्प्ले करता है फिर डेस्कटॉप को हाइड करता है। आप डेस्कटॉप वाले जो एरिया है आपका राइट साइड में बिलो में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा क्या क्या चीज़ें आपके डेस्कटॉप पे हाइड हुआ है या फिर डिस्प्ले करना है। एफ टू फंक्शनल टू का मतलब है रीनेम द सेलेक्टेड आइटम। एफ थ्री सर्च द फाइल फॉर द फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर। एफ फोर तो डिस्प्ले द एड्रेस बार, जी हाँ एड्रेस बार को डिस्प्ले करता है, और फाइंड द एक्सप्लोरर। ओके, ये F5 तो रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, कहीं भी आप सिस्टम पे भी F5 दबाएंगे तो उस विंडो को क्या करता है, तो रिफ्रेश करता है। F6 तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट इन द विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, ये क्या करता है, साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स। ठीक है, एक ही चीज़ को आपको घुमाएगा और बताएगा कि आपके स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, F6 है। F10 तो एक्टिवेट द मेन्यू बार इन द एक्टिव एप्स। ठीक है, और अल्ट प्लस F8 तो शो योर पासवर्ड ऑन द साइन इन स्क्रीन। और आपका अल्ट प्लस ESE तो ये होता है दोस्तों साइकिल थ्रू द आइटम इन द ऑर्डर इन द विच दे आर ओपेंड। यानी कि आप मान लीजिए 10 आपके विंडोज़ खुले हुए हैं, तो विंडोज़ को भी बताएगा कि आप कितने विंडोज़, और सीरियल वाइज बताएगा कौन सा विंडोज़ पहले खुला है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ठीक है, और है अल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर, तो परफॉर्म द कमांड फॉर द लेटर। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अल्ट प्लस इंटर द डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, और अगला है अल्ट प्लस स्पेस बार, तो अल्ट प्लस स्पेस बार करता है ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो, ये कार्य करता है। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो तो ये गो बैक का कार्य करता है। अल्ट प्लस राइट एरो जो गो फॉरवर्ड का काम करता है, और अल्ट प्लस पेज अप तो ये मूव अप ऑन द स्क्रीन का कार्य करता है। अल्ट प्लस पेज डाउन तो ये मूव डाउन ऑन स्क्रीन करता है। कंट्रोल प्लस F4 तो ये आपका क्लोज करता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको सारी चीज़ें इसके बारे में ऊपर। कंट्रोल प्लस A तो जितने भी आइटम है उसको सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस D तो ये डिलीट करता है सेलेक्टेड आइटम्स को, और उसको रिसाइकल बिन में भेज देता है। कंट्रोल प्लस R जो रिफ्रेश का काम करता है विंडो को, ये भी कर सकते हैं, और या F5 दबा के भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस Y रीडो एन एक्शन, और कंट्रोल प्लस राइट एरो तो ये मूव द कर्सर, कर्सर को मूव करता है टू बिगनिंग द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, शुरुआत से दूसरे वर्ड पे भेजता है। कंट्रोल प्लस राइट एरो, और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो तो मूव द कर्सर फॉर द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड पे भेजेगा आपका। अच्छा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो तो मूव द कर्सर टू बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पे भेज देगा। और अप एरो तो प्रीवियस पैराग्राफ पे भेज देगा। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब तो ये क्या बताएगा, तो यूज द एरो कीज टू स्विच बिटवीन द ओपन एप्स। ठीक है, ये आपका बताएगा कंट्रोल अल्ट प्लस टैब।
ठीक है, और कंट्रोल अल्ट प्लस स्विफ्ट एरो, तो ये बताएगा वेन ग्रुप और अ टाइटल इज अ फोकस ऑन द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगी यहाँ पे। कंट्रोल एरो जो कि मूव करेगा आइटम्स के साथ, स्पेस बार के साथ, तो क्या करेंगे आप, तो सेलेक्ट मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम इन द विंडो ऑन द डेस्कटॉप, जितने भी आपके डेस्कटॉप पे विंडोज खुले रहेंगे उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगला है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे एरो कीज, तो सेलेक्ट द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट आप यहाँ पे ब्लॉक में है उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल प्लस ESC तो ओपन स्टार्ट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC तो ओपन टास्क मैनेजर को ओपन करता है। ये दोस्तों सारे के सारे यहाँ पे आपको जितने भी शॉर्टकट कीज हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक खत्म हो गया ये, ठीक है। अब ये सारे के सारे टॉपिक जो रिपीट भी किए गए हैं, कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है, पर इनको क्या करना है, इसको रखना नहीं है, इसको आप लोग उपयोग कीजिएगा, जितने शॉर्टकट है उसका उपयोग कीजिएगा अपने कंप्यूटर पे, है ना। अगर कंप्यूटर नहीं है तो साइबर में जाके 15-20 मिनट इसका यूज़ कर लीजिएगा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक तो बहुत हार्ड रहा होगा, लेकिन क्यूज़ में आप लोग बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि कल का होगा, और आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए माफ़ी चाहते हैं, और कल आपको 6 बजे इसी के रिगार्डिंग कुछ नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और सिलेबस वाइज होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।